नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल अंश चौधरी और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक और सेशन में तहे दिल से आपका स्वागत। आज की जो हमारी 6 टॉप स्टोरीज है जो आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी CCE। क्या है ये, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और साथ ही साथ भारत से रिलेटेड कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा इन्हीं कार्बन इकोनॉमी से रिलेटेड, राइट। दूसरी हम बात करेंगे निपुण भारत मिशन के ऊपर, इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात करेंगे। इसमें एक हाल फिलहाल जो है एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन करने की बात की गई है, तो इसको देखना थोड़ा लाजमी हो जाता है। तीसरा हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की तरफ से, दैट इज अभ्यास, राइट। क्या है ये अभ्यास, इसको जानेंगे, वैसे अभ्यास करते रहना जरूरी है, राइट। फोर्थ UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट के बारे में समझेंगे, इस कानून के बारे में समझेंगे कि क्या इस कानून में प्रावधान है और क्या क्या इसमें दी गई चीजें हैं। फिफ्थ हम बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ऊपर में, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और किस तरीके से ये सेंसस से अलग है इसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली सिक्स्थ हम बात करेंगे ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना, क्या है ये ट्रिग्नोप्टेरस कोरोना, इसको जानेंगे। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस, राइट। हिस्ट्री के एमसीक्यूज चल रहे थे दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के, वो सवाल मैं आपको कुछ कुछ बता रहा था, आइडियाज कैसे करने हैं, कैसे टैकल करने होते हैं एग्जाम में, कौन से टफ है कौन से छोड़ने थे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ से, दैट इज सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी, राइट। सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी का मेन मकसद क्या होता है, सबसे पहले तो अगर कोई टर्म आपसे ये पूछे कि सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी है क्या, इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है जो भी एमिशंस हो रहे हैं या तो आप उन्हें मैनेज करें और इस तरीके से मैनेज करें कि उन्हें रिड्यूस भी करें, जिससे कि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका असर कम दिखाई दे। इट इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम इन्वॉल्विंग, और इसमें जो है मेन प्रिंसिपल है जो 4 R पे डिपेंड करता है, 4 R's, राइट। कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। ये रिमूव के जगह कहीं कहीं पे आपको रिन्यूएबल भी मिलेगा, राइट, कहीं कहीं पे आपको रीमैन्युफैक्चरिंग भी मिलेगा, ये डिपेंड करता है जो जो इंडस्ट्रीज कौन सा फॉलो कर रही है, लेकिन 4 R का तो वो यूज करते हैं। सबसे पहले किसका यूज करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं रिड्यूस का। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम फॉसिल फ्यूल पे भी डिपेंड है, अब क्लाइमेट चेंज को हटाने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूशन लाना पड़ेगा, तो लो कार्बन एनर्जी के सोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल्स एनर्जी हो गए, हाइड्रो पावर हो गई, न्यूक्लियर हो गया, बायो एनर्जी हो गई, इस तरीके के। तो रिड्यूस एक रिडक्शन जो प्रोसेस है वो इसमें आता है। दूसरा फिर होता है रीयूज। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे एटमोसफेयर के अंदर में, उसको कैप्चर करना है, उसको कैप्चर करने के बहुत सारे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भी हैं। अब वो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बार बार रीयूज हो जाएं, ऐसे हमको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि फ्यूल्स, बायो एनर्जी, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल्स, कुछ ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे जो बार बार रीयूज हो सके, फूड, बेवरेजेस, राइट। तो रीयूज का कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है, जैसे कि आपके प्लास्टिक आप देख लीजिए, कई कई जगह पे क्या होता था, प्लास्टिक काफी लोग फेंकने लग गए, अब उससे एक प्रॉब्लम आने लग गई प्लास्टिक पॉल्यूशन की, राइट। तो अब क्या होता है कि कई देशों में बोला गया कि आप इसे रीयूज कीजिए, बार बार इसे आप रीयूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा फिर आता है हमारे पास तीसरा रिसाइकल, राइट। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप केमिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो आपको एक नया प्रोडक्ट देगा, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया या दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो उसको कहते हैं रिसाइकल करना। रिसाइकल मतलब चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड अ यूजफुल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिसाइकल। फिर आपका आता है रिमूव। अब रिमूव में हमारे पास मेन मकसद क्या था, तो पहला रिड्यूस, याद कीजिए सारा मकसद तो रिडक्शन का ही था ना, कि ये जो लार्ज स्केल पे जो आप एमिशंस कर रहे हैं इनको आपको रिड्यूस करना है, इनको आपको रिड्यूस करना है। अब इसमें आप क्या क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे या क्या अदर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, वो इस पर डिपेंड करता है। तो 4 R कौन कौन से दोस्तों, सबसे पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। ये समझ में आया, ये पूरा सर्कुलर वे में काम करता है, चार्ट दिखाऊंगा अभी आपको, डोंट वरी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है या कुछ फैक्ट्स आप कह लीजिए एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं। तो चीन के बाद भारत जो है अब चौथा सबसे बड़ा एमिटर है, ये आपको ध्यान रखना है। चीन के बाद इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके ठीक बाद आता है यूरोपियन यूनियन। अगर आप यूरोपियन यूनियन को हटा देंगे, क्योंकि उसमें तो काफी सारे देश हैं, तो फिर भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। एंड एज पर IPCC 6 असेसमेंट रिपोर्ट, इट विल बी अमंग द मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड कंट्रीज। तो IPCC की रिपोर्ट ने भी मतलब एक चेतावनी दे दी है भारत को। इंडिया ने कमिट किया है कि वो अपनी GDP में से, यानी कि 2030 तक 33-35% GDP का जो है वो पूरा का पूरा इस तरीके से लगाएगी कि जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट गोल भी है भारत का, कितने का है, 175 GW का है। टारगेट ईयर क्या है, ये सब ध्यान रखना है आपको, टारगेट ईयर है 2030 तक का,
किसके तहत लिया गया था? तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना 2016 में, उसके तहत इसको पूरा अज्यूम किया गया था। इट इज नॉट लाइकली टू फॉलो द मच एडवोकेटेड नेट जीरो प्लान बट वुड रेदर ड्वेल और इम्प्रोवाइजिंग गोल्स फॉर द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो सारा का सारा जो खेल है वो किस तरफ है? ग्रीन एनर्जी की तरफ है। साथ ही साथ भारत एक तरीके के प्रिंसिपल में बिलीव करता है, उस प्रिंसिपल का नाम है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो मिटिगेशन है वो कॉमन प्रॉब्लम है सभी देशों के बीच में, लेकिन हर देश अपने तरफ से अलग अलग पैमाने पे इसको सॉल्व कर रहा है। उसकी जो जिम्मेदारी है अपने तरीके से अपने ढंग से करने की है, राइट? तो किसी ने टारगेट बड़े ले रखे हैं, किसी ने टारगेट छोटे ले रखे हैं। भारत का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, ये और ये डिपेंड करता है कि डेवलपिंग नेशन है या डेवलप्ड नेशन है, किस तरीके से वहाँ का उनका एनवायरमेंट क्या चल रहा है, राइट? अब क्योंकि भारत जो है सबसे बड़े पॉपुलेशन कंट्री में गिना जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया पे थोड़ा दबाव ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर इंडिया कहते हैं कि यार डेवलप्ड नेशंस को कि यार देखो तुम लोग तो हाई क्लास की जो है लाइफ जी रहे हो, एक बहुत ही बढ़िया लाइफ, लेविश लाइफ जी रहे हो, तो तुम लोगों से तो ज़्यादा चांसेस है कार्बन एमिशंस के, हम लोगों में क्या है, हम लोग तो वैसे भी गरीब से हैं, तो हम लोगों में उतने कार्बन एमिशंस के चार्जेस ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ा सा वाद विवाद जो है वो होता रहता है। मैंने एक थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताया है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी बाय द थिंक टैंक ऑफ काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर प्रोजेक्ट्स, इंडिया टू अचीव द नेट जीरो टारगेट इवन बाय 2017 यूसेज ऑफ कोल especially for power generation will need to peak by 2040 and drop by 99% between 2040 to 2060. तो अभी तक तो ये चलेगा, ये जो कोल वगैरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला क्राइसिस वगैरह जैसे अभी बता रहे थे, तो ये सब तो चलेगा 2040 तक, पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर ये गिरना शुरू करेगा, 2060 तक फिर ये गिरेगा। और नेट जीरो टारगेट भारत कब अचीव करने वाला है? 2070 तक। तो ये किसका कहना है? ये प्रिडिक्शन दिया है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर प्रोजेक्ट्स ने। क्लियर है? सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब आपको चार्ट दिखा देते हैं। ये देखिए, ये चार्ट है, ये रॉ मटेरियल हुआ जैसे प्लास्टिक, मेटल, केमिकल। अब ये प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन में जाने के बाद फिर इसकी डिजाइनिंग और प्रोडक्शन होती है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल वगैरह किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट अब आपका तैयार है ना, तो अब आप ये तो रिटेल में बेचिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फिर बाइंग एंड यूजिंग होता है, पब्लिक सेक्टर के लोग खरीदते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रीज लोग खरीदते हैं, सिंपल हाउस होल्ड के पीपल लोग खरीदते हैं, राइट? अब इसका वो बार बार रीयूज करते हैं, रिपेयर करते हैं इस तरीके से, ठीक। उसके बाद फिर जो है इसकी इसका जो है वेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। वेस्ट ट्रीटमेंट करने के क्या क्या मेथड है? या तो आप लैंड फिलिंग यानी कि जमीन के नीचे कंपोस्ट वगैरह बना के दबा दीजिए, या फिर इंसिनरेशन जला दीजिए एकदम, या फिर रिसाइकिल अगर आप कर सकते तो कर लीजिए। अगर आपने रिसाइकिल कर लिया जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, तो फिर रिसाइकिल मटेरियल और फिर वापस जो है ये प्रोसेस साइकिल जो शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ सर्कुलर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। क्लियर है दोस्तों? राइट, चलिए अगले अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज निपुण भारत मिशन। अब निपुण भारत मिशन को क्यों लाया गया था? इसको इसलिए लाया गया था कि हम देश के अंदर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जिससे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी हर बच्चा जो है वो अचीव कर सके बाय द एंड ऑफ थर्ड ग्रेड। जब वो तीसरी क्लास में हो तो तीसरे क्लास के अंत तक आते आते उसको फाउंडेशनल लिटरेसी उसकी और साथ ही साथ न्यूमरेसी उसको आनी चाहिए, राइट? क्योंकि असर के जो रिपोर्ट आते हैं, जो एनजीओ प्रथम द्वारा लाया गया है, असर के रिपोर्ट बताते हैं कि आठवीं क्लास तक के बच्चे न्यूमरेसी और फाउंडेशनल लिटरेसी में कितने पीछे हैं। तो उसको देखते हुए ये एक मिशन लाया गया कि हम एक ऐसा एनवायरमेंट बनाएंगे 2026-27 तक जिसमें जो है हर बच्चा अचीव करेगा कि वो क्या लिखना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, क्या न्यूमरेसी जानना चाहता है बाय द एंड ऑफ थर्ड ग्रेड। और उसके लिए पूरी ये जद्दोजहद चल रही है। साथ ही साथ इसमें फोकस किया जाएगा, बच्चों को तो सिखाना है लेकिन टीचर कैपेसिटी भी की भी बिल्डिंग करनी है, तो टीचर्स पे भी इसमें फोकस किया जाएगा। बहुत हाई क्वालिटी के मतलब रिसोर्सेज, लर्निंग मटेरियल्स वगैरह बनाए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों के लर्निंग आउटकम को ट्रैक करने के लिए एक प्रोग्रेस चार्ट वगैरह भी डेवलप किया जाएगा। ये सारा काम जो है टेक्नोलॉजी के तड़के के साथ मिक्स किया जाएगा, राइट? अब निपुण भारत मिशन जो है ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? तो इसे इंप्लीमेंट कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि किसके तहत आती है? जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, यानी कि एजुकेशन मंत्रालय जो पहले एचआरडी था, राइट? अ फाइव टीयर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म विल बी सेट अप एज नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज अंडर द एगिस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, राइट? तो जो समग्र शिक्षा है उसके अंदर इसको पांच इसके टीयर बनाए गए, इम्प्लीमेंटेशन जो है मैकेनिज्म इसके किए गए हैं।
मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि जो समग्र शिक्षा को अगर आप समझेंगे, समग्र का मतलब हो गया पूर्ण रूप से, राइट। तो समग्र शिक्षा का मतलब हो गया कि जो स्कूल एजुकेशन है, ये जो स्कीम है, इसका जो पूरा उद्देश्य है कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक सबको कवर अप कर लिया जाए, बढ़िया सिखाया जाए। अब इसमें हाल फिलहाल जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए एक निष्ठा प्रोग्राम भी लाया गया था। निष्ठा का क्या फुल फॉर्म था? निष्ठा का फुल फॉर्म था नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये सब थोड़ा फुल फॉर्म वगैरह आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन डेवलप कर रही है? तो एनसीईआरटी से डेवलप कर रही है। हाल फिलहाल निपुण भारत मिशन में क्या हुआ है कि एक कमेटी बनाने की बात की गई है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उसको बनाया जाएगा, हालांकि गठन कर दिया गया है। अब ये सब क्या काम करेगी? तो पांच इनके काम है जो ये देखेगी, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो गाइडेंस देगी पॉलिसी इशूज के ऊपर में। दूसरी बात, 2026 तक जो हमने नेशनल टारगेट लिया है उसको अचीव करने की बात करेगी। तीसरा, फिर गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से होंगे कि जो ईयर वाइज उनके प्रोग्रेस है उनको भी मेजर किया जा सके। साथ ही साथ एक नेशनल एक्शन प्लान अलोंग विद द स्टेट एक्शन प्लान वो भी तैयार किया जाएगा, उसे अप्रूव किया जाएगा। और फिर पीरियोडिक बेसिस पे इनको रिव्यू किया जाएगा कि कितने टारगेट कितने परसेंट से अचीव किए जा रहे हैं। तो ये सब काम इस कमेटी का रहेगा, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अंडर निपुण भारत मिशन। क्लियर है दोस्तों? सेकेंड स्टोरी एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से, किस पे बेस्ड है निपुण भारत मिशन ये आप बताइए। तीसरे पे आते हैं हम लोग। तो थर्ड इज अभ्यास। अभ्यास क्या है कि हाल फिलहाल डीआरडीओ को सलाम इस तरीके की चीजें करने के लिए कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली जो है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द बे ऑफ बंगाल कोस्ट इन ओडिशा, उसको जो है उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इट इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ। तो ये किसके तहत डिजाइन किया गया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरडीओ। इसके मेन फीचर्स क्या है? इसके मेन फीचर्स ये हैं कि इसमें एक तो गैस टर्बाइन की इंजन लगी हुई है, ठीक। उसके बाद लॉन्ग एंड्योरेंस की यानी बहुत ही लंबे समय की फ्लाइट जो है वो ये कर सकते हैं, वो भी सबसोनिक स्पीड पे कर सकते हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें MEMS का जो है वो सिस्टम लगा हुआ है। MEMS का सिस्टम क्या होता है? माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, राइट। नेविगेशन वगैरह में और फ्लाइट कंट्रोल में जो है काम आता है। साथ ही साथ लोडिंग वगैरह ज्यादा फ्लाइट पे नहीं पड़ती है, वजन ज्यादा नहीं पड़ता है, राइट। इन सब चीजों पे इसका रहता है। द व्हीकल इज प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट एंड देयर चेकआउट इज डन यूजिंग लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम यह होगा कि जो बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स हैं, अगर मतलब उनके इवोल्यूशन के लिए इसको जो है यूज किया जाएगा। इसमें आपका जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी आ जाता है, साथ ही साथ एरोनॉटिकल सिस्टम और टेक्नोलॉजीज वगैरह भी आ जाते हैं जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए काफी मददगार साबित होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभ्यास में जो हीट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, वो किसने डेवलप किया है? वो डेवलप किया है डीआरडीओ ने, इसरो ने नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। क्लियर है तीसरी स्टोरी दोस्तों? चौथी स्टोरी पे आते हैं, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। यूएपीए कानून को समझना अपने आप में ही बहुत बढ़िया रहता है, राइट। तो अभी हाल फिलहाल मैं लाइव लॉ का एक ट्विटर का अकाउंट पढ़ रहा था, तो उसमें वकील साहब ने बोला कि सर, जज साहब से बोला कि सर मैं अभी आता हूँ, कुछ मतलब 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारी इस पे दलीलें पेश करूंगा। तो जज ने बोला कि 2 मिनट नहीं भाई, तो 20 मिनट ले ले, लेकिन कुछ लॉजिक से तो बात किया कर, राइट। जस्ट अ जोक। चलिए आइए, यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये कब पास किया गया था? ये पास किया गया था 1967 में। तो पहली बात तो आपका कानून नहीं है, राइट। ये पास किया गया था 1967 में। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भारत के अंदर में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है उनको रोकना है। ऑब्वियसली बात है, देश सर्वोपरि है, भारत के अंदर कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज करेगा तो उसको रोका जाएगा, ठीक। द एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार को पूरी तरीके से इसमें पावर दी गई है, जिसमें सरकार जो है किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज को एक अपने राजपत्रिका द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि देखो जी इस तरीके की एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके की सजाएं हैं, जैसे डेथ पेनल्टी से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। अब इसमें क्या फॉरनर्स को भी टारगेट किया जा सकता है, मतलब फॉरनर्स को भी हम चार्ज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। भारतीयों के साथ साथ इसमें फॉरन नेशनल्स को भी चार्जअप किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको इस तरीके से मतलब बनाया गया है कि इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया, तो वो लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो कानून को कुछ इस तरीके से, इस ढंग से इसमें बनाया गया है कि किसी ने भारत के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं विदेशी धरती पे, तो उनको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। अंडर द यूएपीए द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन फाइल अ चार्ज शीट इन मैक्सिमम 180 डेज, यानी कि 6 महीने के भीतर भीतर मैक्सिमम टाइम है ये कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है चार्जशीट फाइल करती है अगर कोई अरेस्टिंग वगैरह हुई है तो, और फिर उसके बाद कोर्ट को इत्तला करती है। अब 2019 में
इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। क्या अमेंडमेंट किए गए? इसमें जो एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनको कुछ पावर दी गई, उनको मतलब उनको प्रावधान दिया गया कि वो कोई भी मतलब केस को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो कोई भी जो प्रॉपर्टी अटैच है उन सबको सीज कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ द एक्ट एम्पावर्स द ऑफिसर्स ऑफ एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर अबाउट टू इन्वेस्टिगेट केस ऑफ टेररिज्म इन दोस कंडक्टेड बाय द डीएसपी और एसपी एसीपी और अबाउट रैंक ऑफिसर इन द स्टेट। तो मतलब क्या था कि पहले अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही थी अमेंडमेंट से पहले, तो उसमें डीसीपी रैंक या फिर एसीपी रैंक का जो ऑफिसर है, डीसीपी माफ कीजिएगा, डीएसपी, डीएसपी रैंक और एसीपी रैंक का जो ऑफिसर था वो जाता था इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए। लेकिन अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के रैंक पे भी आप हैं तो आप भी जा सकते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। तो अगर किसी एक बंदे पे लग रहा है तो सरकार क्या कर सकती है, उसको राज्य के खिलाफ खतरा बता के उसको आतंकवादी घोषित साबित कर सकते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल ये न्यूज में क्यों लेके आया, क्योंकि हाल फिलहाल भारत पाकिस्तान के मैच में जो भारत की हार हुई उसमें श्रीनगर के कुछ जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन पे यूएपीए की धारा लगाई गई है कि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज थे। अब रिसेंट डेवलपमेंट में क्या हुआ है, तो जून 2021 के अंदर में एक जजमेंट आया है वैग्यू सेक्शन का। इसमें कुछ सेक्शन है 15, 17, 18, राइट। तो उन्होंने सेक्शन 15 को जो है वैग्यू सेक्शन के तौर पे बोला है कि दिस इज अ वैग्यू सेक्शन, राइट। अब सेक्शन 15 क्या करता है, सेक्शन 15 जो है टेररिस्ट एक्ट को लेकर सारी बातें करता है। सेक्शन 17 क्या करता है कि पनिशमेंट क्या होगी, किस तरीके कोई अगर टेररिस्ट फंड अगर रेस कर रहा है तो उसके ऊपर मतलब सेक्शन 17 बेस्ड है। सेक्शन 18 में क्या है, सेक्शन 18 में है आपका ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेंसी एक्सेट्रा टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपेरेटरी टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट, यानी पहले से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके ऊपर, कॉन्स्पिरेसी वगैरह अगर कर रहा है तो उसके ऊपर है। तो 15, 17, 18 में से अभी हाल फिलहाल की जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो वर्डिंग आई थी उसमें उन्होंने सेक्शन 15 को वैग्यू सेक्शन जो है वो डिक्लेयर किया था, राइट। सो दिस इज द यूएपीए, आपको समझ में आ गया होगा, राइट, क्लियर। अब ये आप देख सकते हैं इसमें ये एनआईए का बिल आया था 2019 में, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि जो आपसे 6 महीने बाद जो फिर से प्रीलिम्स की परीक्षा आएगी तो उसमें शायद हो सके यूएपीए पे सवाल देखने को मिले, राइट। और ये दो यहाँ पर बदलाव इसके अंदर किए गए थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगली स्टोरी के ऊपर में, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। अब एनपीआर क्या है, एनपीआर एक रजिस्टर है यूजुअल रेजिडेंस का। अब इसमें आपको ध्यान रखना है यूजुअल रेजिडेंट्स, राइट, जो कि किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं या जो मतलब यूजुअल रजिस्टर मतलब जो आम नागरिक है ना आप में जैसे, तो यूजुअल रेजिडेंस उनको फिर लिंकअप किया जाता है, उनका एक रजिस्टर पूरा बनाया जाता है जिसमें उनका बर्थ, डेथ, माइग्रेशन सब कुछ उसमें है। ए यूजुअल रेजिडेंस रेजिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ एनपीआर एज अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर द पास्ट 6 मंथ्स और मोर, और अ पर्सन हु इंटेंड्स टू रिसाइड इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स और मोर। तो यूजुअल रेजिडेंस की जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो तो सरकार ने दे दी कि कोई भी अगर लोकल एरिया में पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा से रह रहा है या फिर अगले 6 महीने से रहेगा, उस तरीके को मतलब उसमें उनको कैटेगराइज किया गया कि दे विल बी कैटेगराइज इन द यूजुअल रेजिडेंस। अब इसमें क्या है कि रजिस्टर तो बना रहे, तो एक तरीके से क्या आप सेंसस ही कर रहे हैं क्या, बात तो वही है। आप रजिस्टर अगर इस तरीके से आप डेटा ले रहे हैं तो आप सेंसस ही तो कर रहे हैं। तो एनपीआर का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो ये था कि यूजुअल जो रेजिडेंट है भारत के अंदर में उनका एक डेटाबेस बनाना, राइट, और ये मैंडेटरी होगा उस रजिस्टर को मेंटेन करना। इसी तरीके का डेटा जो है सेंसस में भी लिया जाता है, और वो किसके तहत लिया जाता है, कानून क्या है, तो सेक्शन 15 ऑफ सेंसस एक्ट 1948, उसके तहत ये सारा डेटा वगैरह जो है वो कलेक्ट किया जाता है, राइट। और फिर उसके लिए उस सारा डेटा को लेके क्या करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को संभालने की सारी बात उसमें रहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किस तरीके से हम डेटा को एग्रीगेट करें, किस तरीके से फिर पॉलिसीज बनाए, देखें वगैरह। अब एनपीआर का जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है कि बहुत सारे जहां पर विपक्ष राज्य है, जैसे कि केंद्र में तो बीजेपी बैठी है, तो काफी सारे ऐसे राज्य है जहां पर बीजेपी नहीं है, तो वहां के जो स्टेट्स हैं उन्होंने एनपीआर के अपडेशन को लेके अपोज किया है। उन्होंने बोला है कि इसको ये लोग एनआरसी से लिंक कर देंगे, राइट, और अभी भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो एनपीआर पे ये लोग चाह रहे हैं कि एनपीआर को एनसीआर के साथ ये लोग मर्ज कर देंगे, ऐसा अपोजिशन रूल स्टेट्स का कहना है। हाल फिलहाल जो इसमें लेटेस्ट जो खबर आई है, लेटेस्ट जो चीजें इसमें आई है
कि इसमें कुछ ऐसे सवाल मुख्य सवाल रह गए हैं जैसे कि मदर टंग क्या होगा, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फादर एंड मदर, लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इन तरीके के सवाल को जो है रजिस्टर में कवर अप नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ क्या है बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन, तो इन सब चीजों पे भी मतलब ध्यान देने की बात कही गई है। और ये सब किसके तहत हो रहा है, ये सब हो रहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत। क्लियर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, बहुत आसान है राइट। चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं और ये थोड़ा सा इन्फोग्राफी के उससे रिलेटेड, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, डॉक्यूमेंटिंग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड इसमें सारी चीजें हैं। हम आते हैं अपने आज के फाइनल और आखिरी स्टोरी के ऊपर, दैट इज ट्रिग्नोप्टेरिस कोरोना। तो हाल फिलहाल क्या है कि साइंटिस्टों ने जो है एक नई स्पीसीज को, बीटल की जो नई स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया, उसका नाम इन्होंने रखा है ट्रिग्नोप्टेरिस कोरोना। ये वो बीटल की स्पीसीज है। कहाँ पे आई है, तो इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड, वहां पर इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। तो क्या ये इकलौता इंसेक्ट है जिसमें ऐसा कोरोना करके कुछ नाम है, तो आंसर इज नो। अप्रैल 2021 में भी एक स्पीसीज आई थी जिसे कैडिस फ्लाई कहा गया था, और उसको मतलब उसका नाम दिया गया पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस। पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस, ये उनको नाम उसको दिया गया था अप्रैल 2021 में। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एनी इंसेक्ट और एनी काइंड ऑफ स्पीसीज विल बी प्रोवाइडेड विद द नेम ऑफ कोरोना वायरस, इससे पहले भी हो चुका है राइट। अब इनको पेंडेमिक के ऊपर नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी जो स्पीसीज की डिस्कवरी वगैरह का, इनका जो जीनस का प्रोजेक्ट है वो 15 साल से चल रहा था, और पेंडेमिक के कारण ये थोड़ा सा डिले हो गया, तो उन्होंने सोचा कि यार इन्हीं के ऊपर हम नाम रख देंगे। तो अब देख सकते हैं, अब इसमें एक जगह का नाम आया है, दैट इज सुलावेसी आइलैंड। सुलावेसी आइलैंड क्या है, तो जो इंडोनेशिया के जो ग्रेटर सुंदा आइलैंड्स हैं उनमें से चार जो बड़े आइलैंड हैं उनमें से एक आइलैंड का नाम है आइलैंड ऑफ सुलावेसी राइट। अब इसमें काफी सारे मतलब गल्फ्स हैं, काफी सारे इसमें टोलो हैं, ईस्ट के अंदर साउथ में बोन है ठीक है, इस तरीके से काफी इनकी सारी चीजें हैं, तो कुछ ये ध्यान रखेगा। साथ ही साथ इस आइलैंड पे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट रंटेन कोम्बोला, जिसे मारियो भी आप कह सकते हैं, और उसकी ये ऊंचाई है ठीक। सो दिस इज द ट्रिग्नोप्टेरिस कोरोना, आपको समझ में आ गया कि बीटल की स्पीसीज है, और साथ ही साथ ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा कैडिस फ्लाई, जिसको पोटामोफाइलेक्स कोरोना वायरस भी कहते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ नाम आया कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज, तो आप मतलब कंफ्यूज मत हो जाइए, वैसे तो आ सकता है, चांसेस हैं, मेरे जैसा एग्जामिनर तो वो तो इस तरीके के सवाल जरूर देना चाहेगा, क्योंकि दीज आर सम काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चंस राइट। तो चलिए क्वेश्चन की बात आई है, तो फिर से एमसीक्यूज की तरफ पे आते हैं। हमारा आज का पहला सवाल कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ, हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज कर रहे थे दोस्तों, हिस्ट्री के टोटल कितने सवाल आए थे, हिस्ट्री के 20 सवाल आए थे, तो हम वो देख रहे हैं कि करके। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री वगैरह था वो कहाँ पर लोकेटेड था, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी का मतलब है 1600 से लेके 1625 तक, और आपको मालूम है कि इसी ईयर में ये लोग आए थे, तो इसका सही आंसर है प्रोच, जिसे आज हम कहते हैं भड़ूच ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज प्रोच। सो सही क्या होगा, सही होगा ऑप्शन ए। ये मतलब एक तरीके से मैं इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आइडिया है इन सारे, क्योंकि नाम भी जो है उस वक्त के नाम दिए हुए हैं, एंशियंट नेम्स उस वक्त के, मिडिवल नेम्स उस वक्त के दिए हुए हैं राइट, तो गेस करना थोड़ा बड़ा मुश्किल था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें कोई जानकारी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते थे। दूसरा सवाल है हमारे पास, बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा सवाल है, देख लेते हैं एक बार। From the decline of Guptas, तो गुप्ता का गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कब हुआ था, गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है 550 AD के अंदर राइट, इसी वक्त के आसपास में इनका डिक्लाइन हो गया था। Until the rise of हर्षवर्धना, और हर्षवर्धना का राइज कब हुआ है, हर्षवर्धना का राइज हुआ है आप कह सकते हैं कि 7th सेंचुरी के आसपास में, 7th सेंचुरी यानी कि 600 AD से उस वक्त ठीक, इन द अर्ली 7th सेंचुरी, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से किंगडम्स जो है उस वक्त होल्डिंग पावर पे थे, तो 550 से लेके हमें जाना है 7th सेंचुरी तक, 7th सेंचुरी का मतलब हो गया 600 AD के आसपास पे ठीक, और प्लस मोर देन 600 प्लस ठीक। तो हमें ये टाइमलाइन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें से आप देखेंगे परमारास, अगर आप देखेंगे तो अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हुई है, तो मालवा के जो परमारास थे ये 9th सेंचुरी के लोग थे, कौन से थे, 9th सेंचुरी के। अब 9th सेंचुरी के थे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा नहीं हो सकता, तो ए और सी ए उड़ गए। अब बचा क्या, बी और डी। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे वर्ड दिया गया है राइज ऑफ हर्षवर्धना, तो अगर हर्षवर्धना एम्पायर, अगर हर्षा एम्पायर अगर राइज कर रहा है तो किसी ना किसी को तो हटा के ही आया होगा ना, तो वो कौन थे। अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं तो जो थानेसर के पुष्यभूतिज हैं
उनको हटा के ही इनका राइज हुआ था। सो तीसरा थर्ड विल बी देयर, और आप देखेंगे कि बी और डी में सिर्फ बी में थर्ड है। सो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको करना था, थोड़ा टाइमलाइन वगैरह अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ये हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना ईजी भी नहीं है, ये मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोर्चुगीज के जो राइटर है नुनीज, उनके अकॉर्डिंग जो विजयनगर एम्पायर की जो वुमेन थी वो किन एरियाज में एक्सपर्ट्स थी? तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथ सेइंग, किस में वो एक्सपर्ट थी? तो बेसिकली वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो मुझे इतिहास के अंदर में लगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी ना तो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और कोई अगर ट्रेडिशनल बुक भी आप पढ़ते हैं आर एस शर्मा वगैरह, तो उसमें भी इसमें कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। बहरहाल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इन सभी में वो एक्सपर्ट्स थी वहाँ की वुमेन, विजयनगर एम्पायर की। दैट्स वाई उनको बहुत ही मतलब समृद्ध और काफी खुले विचारों वाला एम्पायर कहा जाता था। सो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो दोस्तों को कराइए, खुद भी एनरोल करते रहिए, बहुत मजा आएगा आपको। साथ ही साथ यूपीएससी की जो कोर्सेज हैं, सेल्फ प्रेप कोर्सेज हैं, 1 साल के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम, तैयारी स्टार्ट कीजिए। और सिविल तपस्या का पोर्टल है दोस्तों, इसमें आपको सारे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एमसीक्यूज फॉर लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।